हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सेना और ये जो वीडियो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर बात कर रहे हैं, डॉट क्लेरिफिकेशन। हमने एक वीडियो बनाया जिसमें काफी जो सारी डाउट्स है क्लर्क्स ऑफिसर की तैयारी को लेके, समझ को लेके, वो आप समझ सकें। सबसे पहला चीज आप समझते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, यहाँ पर आप जानते हैं कि वैकेंसी इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ, वैकेंसी काफी बड़ी है, 1500 पोस्ट का। हम इस वैकेंसी को दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो हो गया सीनियरिटी और दूसरा हो गया ऑल इंडिया चैनल। ठीक है, सीनियरिटी ऑल इंडिया चैनल। सीनियरिटी में कितना भाई, 525 पोस्ट है और यहाँ पे 975 है। ठीक है, ये आप सब जानते ही हैं, इसमें कुछ नया चीज नहीं है और आपको फाइट इसी में है। ठीक है, जो लोग इस चैनल को दे रहे हैं, जो भी लोग दे रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत फाइट दिखेगा। लास्ट ईयर देखिएगा तो उसके मुकाबले 3 times इन्होंने सीट इंक्रीज किया, 3 times यहाँ पे जो बोलेंगे वैकेंसी को इंक्रीज किया है इन्होंने। अगर आप बात करेंगे लास्ट ईयर से कंपेयर करते, जो लास्ट ईयर था, तो लास्ट ईयर में आप देखोगे तो मोटा मोटी 325 या 350 वैकेंसी था, तो उसके कंपेरिजन में काफ़ी इंक्रीज किया इन्होंने। और एक तरीके मैं बोलूँगा यहाँ पे गोल्डन चांस है कि आप इस तरह के एग्ज़ाम को पास करें। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, वो भी समझना होगा। आपकी जो फाइट है वो फाइट होने वाली मोटा मोटी 17,000 प्लस कैंडिडेट्स के साथ। ठीक है, 17,000 प्लस क्लर्क रख लीजिए, उनके साथ आपका फाइट होगा यहाँ पे। तो फाइट काफी टफ है, ठीक है, बहुत टफ है। अब हम आते हैं असली चीज पे। लोगों का ये शिकायत होता है, पहले तो आप इसमें बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि जो मैं अभी आपको बताऊंगा, मैक्सिमम लोग नहीं जानते। एग्जाम लेगा कौन, IBPS लेगा या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा लेगा? बहुत लोग सोचते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बिल्कुल गलत जवाब है। एग्जाम IBPS लेता है। जो बनाया गया है IBPS, बेसिकली प्रमोशन एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए बनाया गया है कि बैंक के अंदर जितने भी लोग हैं, एक ट्रांसपेरेंसी हो सके, चोरी चमारी नहीं हो सके, यह ना लगे कि भाई कोई दूसरा आदमी अपना आदमी को क्वेश्चन बता दिया, लीक ना हो, इसलिए बाहर की बॉडी है IBPS, वो एग्जाम लेती है। अब ये हो गया एक चीज। दूसरा चीज, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने गुरुकुल का मटेरियल पढ़ा, बहुत लोग, आप लोगों से बहुत लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बट रिजल्ट नहीं आया है ना, रिजल्ट नहीं आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, IBPS को आपके गुरुकुल के मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, कुछ भी लेना देना नहीं है। ये गुरुकुल मटेरियल कौन बनाता है? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ लोग बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ लोग बनाते हैं। और उनको लगता है कि ऐसा सा सवाल आ सकता है, ऐसा सा टॉपिक हो सकता है, वो आप पढ़ के जाते हैं। इस गुरुकुल में मैं आपको इशू भी बताता हूँ, ठीक है। अब इस गुरुकुल में मरवाते हैं, ठीक है, जो कई लोगों ने फेस किया होगा और उन्हें बताया होगा। जब गुरुकुल में आप पढ़ोगे, ठीक है, तो मानो उसमें एक है प्रिंसिपल्स एंड लीगल बोल के टॉपिक है, एक सेक्शन है, राइट, प्रिंसिपल्स एंड लीगल बोल के आपका एक सेक्शन, आप सभी लोग जानते ही होंगे इसमें, ठीक है। जो प्रिंसिपल्स एंड लीगल है, अब मान लीजिए इसमें हम BR एक्ट पढ़ रहे हैं, यह मान लीजिए NI एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें से प्रॉब्लम क्या है, 3, 4, 5, 6 सेक्शन बता देगा और वो चला जाएगा। IBPS ऐसा कभी नहीं होगा जो इसमें लिखा हुआ है यह 3, 4, 5, 6 यही सेक्शन पूछे, उसकी मर्जी कुछ भी पूछ ले, वो एनीथिंग पूछ सकता है आपसे। इसलिए बहुत सारे लोगों का एक कहते हैं वो कि मैंने इतना पढ़ के गया, 4 साल से दे रहा हूँ गुरुकुल मटेरियल पढ़ रहा हूँ, मैं 4 साल से दे रहा हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, मेरा क्या हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। रिजल्ट नहीं आने का मतलब क्या हो जाता है? अब ये बोलते हैं क्या कि मैं इंटरव्यू तक चला गया, ठीक है, इंटरव्यू चला गया, और इंटरव्यू में क्या होता है, अभी तक तो जितनी भी सीटें होती हैं उसका मल्टीप्लाई बाय 10 times इंटरव्यू में कॉल कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 325 सीट हुआ तो 10 times कितना हो गया, 3250 लोगों को, कैंडिडेट को बुला लिया, और फाइनलिस्ट मगर जो बनेगा वो कितना होगा, 325 का ही था लास्ट ईयर का, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इतना लोगों को कॉल करते, लोगों को लगता है कि मेरा तो इंटरव्यू हो ही गया
हो जाएगा एक बार दो बार तीन बार, बट आपको चीज समझना होगा सिर्फ ये मटेरियल पढ़ के कुछ नहीं होगा। इसके साथ आपको जरूरी है वो सारी एक्स्ट्रा टॉपिक्स करें आप जो आपको एग्जाम में पूछेगा आईबीपीएस, ठीक है, क्योंकि आईबीपीएस को कुछ भी लेना देना नहीं है गुरुकुल के मटेरियल से, आप सब समझिए। गुरुकुल मटेरियल एक स्टडी रेफरेंस मटेरियल है जो कि बीओबी एकेडमी बनाती है जो क्लर्क से ऑफिसर के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है, बट इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कहीं से भी, उसी में से आएगा, समझ लो, उसी में से आएगा, ये कहीं नहीं बोल रहा है। आप ये पढ़ के जाओगे गुरुकुल का मटेरियल तो ये हो जाएगा कि 50% से 60% आप बना सकते हो, ठीक है, बाकी आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स और पढ़ने ही होंगे, ये समझ के रखिए, दिमाग के अंदर डाल के रखिए। उसके बाद एक चीज और समझिए आप, जितना अर्ली स्टार्ट करते हैं उतना बेस्ट प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है, उतना आप बेस्ट प्रिपेयर कर पाओगे। ये मत सोचिएगा कि भाई जी आई भी दे देता हूँ या बाद में 10 दिन के बाद पढ़ लूंगा एग्जाम, क्या बोले, जब दिसंबर को 1 तारीख दिसंबर से पढ़ो, ऐसा कुछ टाइम मत बनाइए। अगर आपको सच में देना है तो आप अभी से पढ़िए, ठीक है, जितना पहले से शुरुआत करिए उतना बेस्ट तैयारी होगा, ठीक है, और अभी आप जितना मिस्टेक्स करोगे उसको आप इंप्रूव कर पाओगे। सबसे बड़ा बात है अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट ये है, जो मिस्टेक किया उसको आप सुधार लोगे, इंप्रूव कर लोगे, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन के ऊपर, सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल्स एंड लीगल, ठीक है, दूसरा हो गया बैंकिंग टेक्नोलॉजी, तीसरा हो गया जीके, चौथा हो गया रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, चौथा हो गया असर, पांचवा हो गया इंग्लिश, पांच सेक्शन है आपके लिए। और अब आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे बोलिए प्रिंसिपल्स नहीं, इसको आप बोल सकते हैं बैंकिंग लॉ, पहला बनाइए बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस हो गया आपका ये, दूसरा बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसी को मैंने प्रिंसिपल्स एंड लीगल बोल दिया आपको। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस अगर आप पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, समझिएगा बात, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस अगर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 16 मार्क्स का सवाल है आपका, ठीक है, बैंक ये भी 16 मार्क्स का है, जीके 10 मार्क्स का है, ये आपका 10 मार्क्स का है और इंग्लिश आपका 8 मार्क्स का है, ऐसे कुछ उन्होंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाना होगा, जैसे यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ आपको जीके में है 5, यहाँ है 4 और यहाँ भी है 4, ठीक है, ये कुछ कुछ आपको मार्क्स लाने होंगे हर एक सेक्शन वाइज में, अगर आप नहीं ला पाइएगा तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। अब इंग्लिश भी एक बड़ा चैप्टर है, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ा है, जीके भी बड़ा है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी बड़ा है और बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस तो खुद में बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है आपका लीगल आ गया, लॉ का मतलब हो गया लीगल और प्रैक्टिस का मतलब कुछ टॉपिक प्रिंसिपल्स की आपको पढ़नी होगी, ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ लीगल ही ज़्यादा पढ़ते हैं बैंकिंग लॉ जो है, ठीक है, लॉ के अंदर प्रिंसिपल्स के अंदर भी जो हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, एग्जाम्पल है एटीएम से, बहुत सारा चीजें हैं इसके ऊपर टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। आप अगर ये सोच के जा रहे हो कि हमने जो गुरुकुल का मिला हम उतने रट लेंगे तो हम पास कर जाएंगे, वो आप ही नहीं सारे लोग करते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता है, आएगा उसी का जो थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ के जाएगा, हमेशा याद रखिएगा एक्स्ट्रा टॉपिक्स। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसमें, अगर आपने बीआर एक्ट पढ़ा और बीआर एक्ट का अगर आपको 5 सेक्शन पढ़ के गए जो इसमें दिया है, हकीकत में 50 सेक्शन, तो 50 में से कोई भी सेक्शन पूछ सकता है आपसे, तो इस तरीके से आपको पूरा समझ के जाना होगा। अब जीके में आइए, तो लोग क्या करेंगे जीके में पढ़ना चालू कर देंगे वो 6 महीना 8 महीना का, अरे भाई ये तो जानो जीके में क्या क्या सवाल आती हैं आपको, तो यहाँ पे आपसे जो जीके में ज़्यादातर क्वेश्चन आएगी वो बीओबी रिलेटेड होगी, क्या होगी बीओबी रिलेटेड होगा, ये चीज़ थोड़ा समझना होगा आपको, ठीक है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी में आइए, अब आप बैंकिंग टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे तो 2020 का जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी था, 2022 में अगर आपने एग्जाम दिया, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ 2022,
तो 2022 का जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी था वो सेम यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। इसलिए हम लोग जब भी आपको बैंकिंग टेक्नोलॉजी कराएंगे तो हम आपको 3 ईयर्स का कराते हैं। कितने साल का कराते हैं? 3 साल का कराते हैं। क्या पता कहां से पूछ ले, क्या पता कहां से पूछ ले, ठीक है। ये कभी मत सोच के जाइएगा कि इतना ही लिमिटेड पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ 2020 का जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है तो सेम 2022 में पेस्ट कर दिया, बट ये ऐसा तो नहीं है 2021 का बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो था वो अलग था। हो सकता है वो भी सवाल आ गया हो यहाँ पे। तो आपको मैं इसलिए बोलता हूँ सारा चीज पढ़ के जाइए, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली क्लरिकल लेवल का होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इंग्लिश भी क्लरिकल लेवल का होता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा दोनों जगह, ऐसा नहीं वो लोग नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश ही परेशान करता है, 4 नंबर लाना पड़ेगा, नहीं लाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, फेल हो गया। तो इस तरीके से आपको करना, हर एक सब पास कर जाए तो बहुत आसान आता है, ये सब चीज़ बहुत ही आसान होती है। ये असली चीज़ें आपका, ये असली चीज़ है, ये और असली चीज़ है, ये 3 चीज़ आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ऑफकोर्स इंग्लिश भी करना, रीजनिंग भी करना, बट मैं अच्छे बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको समझ के तैयारी करना है। इसीलिए अब हम लोगों ने क्या किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया हुआ यहाँ पे कि हम लोगों ने प्रॉपर, आपका बोल सकते हैं प्रॉपर, हम लोगों ने वीडियो कोर्सेज बनाए हुए जिसकी मदद से आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जिसमें हम लोग गुरुकुल के भी आपको मटेरियल रहेगा, ठीक है। मैं नहीं बोलता हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे उसको भी, और प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहेगा। गुरुकुल का मटेरियल जो है अगर आपने पढ़ लिया, मान लेते हैं कि 50-60% यहाँ से आता ही है, और बाकी के जो बच गए आपने यहाँ से कर लिया 40% से 50%, तो आपकी तैयारी पक्की होगी, ठीक है। और जो ये जो प्रॉपर वीडियो कोर्सेज है, ये है BOB का, मतलब बोलेंगे प्योरली है ये BOB का, ठीक है। प्योरली हो गया BOB 0-1 के लिए, ठीक है। और ये सारी वीडियो कोर्सेज जो हैं रिकॉर्डेड हैं, तो आप अपने टाइम से पढ़ सकते हैं, वॉच एट एनी टाइम, जब समय मिला अपना पढ़ लिया, ठीक है। जब भी सुबह शाम आया दोपहर मिले पढ़ लो अपना हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इसी चीज़ में एक चीज़ और है कि ये एक्सेस करने के लिए आपके ईमेल आईडी पे लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजा हुआ रहता है, और वहां से आप कोर्स को पूरा एक्सेस कर पाएंगे, वेबसाइट से या फिर पोर्टल से, ठीक है। ओके, फिर भी कुछ डाउट हो तो उस संबंध में फोन करके पूछ सकते हैं। कॉलर्स नंबर है 4x9 685127, या फिर आप वेबसाइट पे जाइए, सीधा उधर से ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seed.sinha123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ। थैंक यू वेरी मच।